बाकी दिल्ली में कोई प्रतिबंध नहीं है। G20 की बैठक में भारत आने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हो गई है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी दी गई है कि सोमवार की शाम हुई कोरोना संक्रमण की जांच में राष्ट्रपति जो बाइडेन निगेटिव पाए गए हैं और लगातार उनकी निगरानी की जा रही है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि की ओर से सनातन को पूरी तरह मिटाने वाले बयान के खिलाफ पूर्व न्यायाधीशों, सेना के पूर्व अधिकारियों, रिटायर्ड अफसरों समेत 262 मशहूर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हेड स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। इंडिया गठबंधन में अब तक TMC, JDU, शिवसेना के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी उदयनिधि के बयान का विरोध किया है। BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उदयनिधि स्टालिन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। BJP ने छत्तीसगढ़ में 12 और 16 सितंबर को परिवर्तन यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। करीब 3000 किलोमीटर तक चलने वाली ये परिवर्तन यात्राएं राज्य के 90 में से 87 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगी। 16 दिन चलने वाली पहली यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू होगी, जो 21 सीटों से गुजरेगी। दूसरी यात्रा जशपुर से शुरू होगी, जो 12 दिन चलेगी। परिवर्तन यात्राओं के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ में रैली कर सकते हैं। जयपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे लगाने पर हाथापाई हो गई। खबर है कि जयपुर की आदर्श नगर सीट पर कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा के सामने विधायक रफीक खान के समर्थकों ने भारत माता की जय के नारे का विरोध किया। BJP ने कांग्रेस पार्टी के इस व्यवहार को सनातन और राष्ट्र विरोधी बताया है। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड की एक एक सीटों के अलावा त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया। 6 राज्यों की 7 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर NDA और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। नतीजे 8 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर बिकरू कांड में गैंगस्टर एक्ट के 23 दोषियों को 10 साल की कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 2 जुलाई 2020 को बिकरू में विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले में CO समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 30 आरोपियों पर दूसरी धाराओं में चल रहे मुकदमे का फैसला आना अभी बाकी है। BCCI ने आज विश्व कप के लिए भारतीय टीम के सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम में KL राहुल की वापसी हुई है, जबकि अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, बुमराह, मोहम्मद सिराज को भी टीम में रखा गया है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने टीम में युजवेंद्र चहल को शामिल नहीं करने पर हैरानी जताई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। इसके लिए किम जोंग उन व्लादिमीर पुतिन से मिलने जाने वाला है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि न्यूक्लियर ताकतों के साथ रूस संयुक्त युद्धाभ्यास भी करने वाला है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने हमारे देश को आज 2 भागों में बांट दिया है, यानी इंडिया और भारत के बीच में बांट दिया है। और आज पूरा देश आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आएगा और आपको लगेगा भारत में 2 टीम बन गई है, क्योंकि बहस पूरे देश में इस बात को लेकर हो रही है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान भारत से है या हमारी पहचान इंडिया से है? आज पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी हुए किसी इनविटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और यह इनविटेशन कार्ड उस डिनर का था जिसका आयोजन इसी हफ्ते 9 सितंबर को G20 समिट के दौरान दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है। इसमें जो G20 में जो नेता शामिल हो रहे हैं उन तमाम नेताओं को भारत के राष्ट्रपति ने डिनर पर बुलाया है और जो इनवाइट आया है उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। एक ऐसा बदलाव है जो पिछले 76 वर्षों में देश ने कभी नहीं देखा। लेकिन आज जब इस इनविटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो इससे यह चर्चा तेज हो गई कि क्या देश का आधिकारिक नाम भी अब भारत होने वाला है और क्या सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी इसीलिए बुलाया है कि नाम को बदला जा सके। लेकिन इससे भी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। ये तो राष्ट्रपति का एक इनविटेशन कार्ड था जो G20 के डिनर के लिए है, लेकिन इस समय की और आज की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज इस समय यह है कि भारत सरकार
भारत शब्द को लेकर अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और G20 समिट में भारत का जो प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा, भारत के जो तमाम सरकारी अफसर शामिल होंगे, भारत के जो डेलीगेट्स शामिल होंगे, उन सब के आइडेंटिटी कार्ड्स पर, जो आईडी कार्ड्स बनते हैं, उन पर भी अब इंडिया नहीं बल्कि भारत ऑफिशियल लिखा होगा। यानी भारत की तरफ से G20 में जितने भी लोग, चाहे वो सरकारी अफसर हों या डेलीगेट्स हों या कोई भी हो, जितने भी लोग भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, अब उनके आई कार्ड्स पर, G20 के आई कार्ड्स पर इंडिया नहीं भारत लिखा होगा। और मैं आपको अभी एक आइडेंटिटी कार्ड की एक तस्वीर दिखाता हूं जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। एक दूसरी तस्वीर भी अभी मैं आपको दिखा रहा हूं आइडेंटिटी कार्ड की। ये एक डेलीगेट का आइडेंटिटी कार्ड का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। हमने उस डेलीगेट का नाम इसमें से हटा दिया है, काट दिया है, क्योंकि हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये G20 में भारत के एक डेलीगेट का कार्ड है, भारत के एक ऑफिशियल का कार्ड है, जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व G20 समिट में करने वाले हैं। और उनके आई कार्ड में देखिए, ये आई कार्ड हमने थोड़ा ऊपर से काट दिया है, ये G20 का आई कार्ड है जिसमें भारत ऑफिशियल लिखा हुआ है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राष्ट्रपति का इनवाइट ही नहीं बल्कि G20 में भारत की तरफ से तमाम जो लोग शामिल हो रहे हैं, डेलीगेट शामिल हो रहे हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स पर भी भारत ही लिखा होगा, इंडिया नहीं लिखा होगा। इससे पहले यहां पर अगर आप पहले की बात करें तो पहले लिखा जाता था इंडिया ऑफिशियल, या फिर लिखा जाता था इंडियन डेलीगेट, या फिर लिखा जाता था इंडियन डेलीगेशन। लेकिन इस बार सारे डेलीगेट्स को जो भारत की तरफ से शामिल हो रहे हैं, उन्हें इस तरह के आई कार्ड्स दिए गए हैं जिन पर इंडिया नहीं है बल्कि भारत लिखा है। और दूसरी बात, ये आपको आज ये लग रहा होगा कि शायद ये पहली बार हो रहा है, लेकिन असल में हमारे देश के मीडिया ने और सबसे बड़ी बात विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी इससे पहले शायद ध्यान नहीं दिया। अब आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूं जो बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर गए थे अगस्त में, और इस दौरे के लिए जो फंक्शन नोट्स बनाए गए थे उन पर साफ साफ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। देखिए, ये फंक्शन नोट है जब आधिकारिक रूप से एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में आधिकारिक किसी बैठक में शामिल होता है। तो देखिए, ये विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू साउथ अफ्रीका एंड ग्रीस, ये अगस्त 22 से लेकर अगस्त 25 2023 में, अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए, और उसके बाद जब ग्रीस गए थे, तब भी जितना भी औपचारिक जो कम्युनिकेशन हुआ है दो सरकारों के बीच में, उस सब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया था बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। और यह बात है अगस्त 22 23 24 और 25 की, जो मैं आपको यह कार्ड दिखा रहा हूं। अब देखिए, कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया जाने वाले हैं, तो उसके फंक्शन नोट्स पर भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। देखिए, ये कल के लिए है जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे आसियान समिट में भाग लेने के लिए, और इंडोनेशिया में जब वो पहुंचेंगे, वहां भी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है प्रोटोकॉल के तहत जितना भी कम्युनिकेशन होता है, उस सब में देखिए साफ लिखा है विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और ये आसियान समिट के लिए है जो 7 तारीख को, 7 सितंबर को होने वाला है इंडोनेशिया में। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भारत सरकार भारत नाम को लेकर बहुत आगे बढ़ चुकी है, और पहले ही भारत सरकार बहुत इसमें बड़े बड़े बदलाव कर चुकी है। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं, जिसके बारे में लोगों की नजर आज पड़ी है, पिछले महीने यह हो चुका है जब भारत के प्रधानमंत्री गए थे ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए, जब साउथ अफ्रीका गए थे, जब ग्रीस गए थे,
तब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात, G20 पर भी जितने भी आई कार्ड सब बन रहे हैं भारत के डेलीगेट्स के, उन सब में इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा गया है। अब देखिए, कुछ लोग होंगे इस देश में जो इस बात से बड़े दुखी हो जाएंगे कि इंडिया से बदल कर भारत क्यों कर दिया, लेकिन अमृतकाल में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसमें भारत सरकार इंडिया शब्द की जगह अब सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल कर रही है और भारत नाम का इस्तेमाल ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रहा है जहां अब तक इंडिया नाम का ही इस्तेमाल होता था। और ये आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर है, ये आज का सबसे बड़ा बदलाव है जो आपको देखने को मिल रहा है। और इसके लिए भारत की सरकार को कोई भी नया अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है, कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नया बिल लाने की जरूरत नहीं है, कोई संसद का विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ये विकल्प आपके सामने हमेशा से रहा है कि आप इंडिया लिखना चाहते हैं या भारत लिखना चाहते हैं। हमारे संविधान में भी यही लिखा है कि आप इंडिया और भारत दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब भारत सरकार ने यह तय किया है कि अब वो भारत नाम का ही इस्तेमाल करेगी। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज हमने देश का मिजाज जानने के लिए, आप लोगों का मूड जानने के लिए, आपकी मर्जी जानने के लिए एक ऑनलाइन पोल शुरू किया है जिसमें शामिल होकर आप भी पूरे देश को ये बता सकते हैं कि आज इस देश को आप भारत के रूप में देखना चाहते हैं या इंडिया के रूप में देखना चाहते हैं। आप चुनाव में तो अक्सर अपना वोट डालते ही रहते हैं, लेकिन आज इस ऑनलाइन पोल को भी आप एक छोटा सा चुनाव समझ लीजिए और स्क्रीन पर लिखे नंबर्स पर आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देना है और उस मिस्ड कॉल के जरिए आप अपना वोट डाल सकते हैं। ये बहुत ही तो देखिए, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, भारत के लिए अलग नंबर है और इंडिया के लिए अलग नंबर है। आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देना है। और यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी देर में ही 116,000 लोग इस चुनाव में शामिल हो चुके हैं और अपना वोट डाल चुके हैं। और ये ऐसा चुनाव है जिसके लिए आपको वोटिंग बूथ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चुनाव के सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे हुए या जहां भी इस समय आप हमें देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं या किसी भी ऐप पर देख रहे हैं, आपको सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर देना है। 116,000 से ज़्यादा लोग अब तक अपना वोट डाल चुके हैं। अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है तो तुरंत मोबाइल फोन उठाइए और अपना वोट डालिए और बताइए कि आपकी मर्जी क्या है, आप इंडिया चाहते हैं या भारत चाहते हैं। जिस तरह से सरकार इंडिया शब्द की जगह भारत नाम का इस्तेमाल अब कर रही है, उसके बाद से लगातार ऐसी खबरें हैं कि सरकार संसद के विशेष सत्र में देश के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के लिए बाकायदा एक बिल भी लेकर आ सकती है और इस बिल के तहत देश का आधिकारिक नाम अब भारत किया जा सकता है। हालांकि यह बिल संसद के विशेष सत्र में आने ही वाला है, यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अभी मैं भी आपको नहीं कह सकता कि इस तरह का बिल आएगा भी या नहीं आएगा, इस बात की कोई औपचारिक जानकारी किसी के पास नहीं है। लोग अभी सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर भारत सरकार अपने सारे कम्युनिकेशन में इंडिया की बजाय भारत शब्द इस्तेमाल करना चाहती है तो इसके लिए कोई नया कानून लाने की आवश्यकता नहीं है, संविधान में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। वो ये बिना किए भी भारत नाम का इस्तेमाल कर सकती है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर और जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है। अगर आज आप भी इंडिया की बजाय अपने नाम के साथ भारत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंडियन की बजाय अपने आप को भारतीय लिखना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आपकी चॉइस है, ये विकल्प है आपके पास कि आप क्या चाहते हैं। आप जब किसी को पत्र लिखेंगे, कोई एप्लीकेशन लिखेंगे, अपना बायोडाटा कहीं डालेंगे, सोशल मीडिया पर अपना बायोडाटा डालेंगे, आप चाहें तो आप इंडिया की जगह भारत लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं इंडिया का नहीं भारत का निवासी हूं। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता और ना ही इसके लिए कोई नए कानून लाने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि क्या भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना संभव है। तो जवाब है संभव है, ये संभव हो सकता है।
अगर मोदी सरकार देश का आधिकारिक नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो इसके लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा, क्योंकि इसी अनुच्छेद में देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से संबोधित किया गया है। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। अब अगर सरकार इस अनुच्छेद से इंडिया शब्द को हटाकर सिर्फ भारत नाम को रखना चाहती है तो इसके लिए सरकार को संसद में एक बिल लाना होगा और यह बिल संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत लाया जाएगा, जो कहता है कि सरकार को इसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह संशोधन तभी हो सकता है जब इस पर सरकार द्वारा लाए गए बिल को संसद के दोनों सदनों में, याद रखिएगा, दोनों सदनों में 2/3 यानी 66% से ज्यादा वोट मिले। यह तब संभव है। यानी अगर यह बिल आया तो लोकसभा में एनडीए को 543 में से 356 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी और राज्यसभा में 238 में से 157 सांसदों का समर्थन उन्हें लगेगा, जबकि एनडीए के पास अभी दोनों सदनों में इतने सांसदों का समर्थन नहीं है। लेकिन लोकसभा में अभी एनडीए के पास है 329 सांसद और राज्यसभा में है 104 सांसद, लेकिन चाहिए 356 और राज्यसभा में चाहिए 157। हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी पार्टियों की अग्नि परीक्षा हो सकती है। अगर सरकार यह बिल लेकर आ जाए तो विपक्षी पार्टियों को अग्नि परीक्षा देनी होगी और विपक्षी पार्टियां सरकार के बिल का समर्थन तब भी कर सकती हैं और यह पहले भी हो चुका है। यानी अगर सरकार यह बिल ले आई तो आज भी ज्यादातर पार्टियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस बिल के खिलाफ वोट डाल सके, क्योंकि देश देख रहा है और पार्टियां जानती हैं कि अगर उन्होंने भारत नाम का विरोध किया संसद में तो चुनाव में भी उन्हें इसका नुकसान होगा। इसलिए अगर बेशक से राज्यसभा में सरकार के पास उतने नंबर नहीं है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो आज बाहर शोर मचा रही हैं इसके खिलाफ, वो जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो वोटिंग में भारत का ही समर्थन करेंगे। और पहला ऐसा देख चुके हैं होते हुए, जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर संसद में वोटिंग के दौरान ऐसा ही हुआ था। उस समय कई ऐसी पार्टियां सरकार के साथ आईं जो एनडीए में शामिल ही नहीं थी और हो सकता है सरकार यही सोच रही है कि वो इस बिल पर वोटिंग कराकर लोगों को ये बताना चाहेगी कि कौन सी पार्टी भारत के साथ है और कौन सी पार्टी इंडिया के साथ है या भारत के विरोध में है। और इसी वजह से शायद इन तमाम अटकलों ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को अब एक नई चिंता में डाल दिया है और आज पूरा भारत आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहा होगा। दो टीम बन गई है, एक इंडिया की टीम और एक भारत की टीम। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी असली पहचान भारत नाम से है और हम भारतीय हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये देश हमेशा इंडिया ही बना रहे, हम इंडियंस कहलाएं। एक और खास बात यह है कि सनातन धर्म के विरोधी और भारत नाम के विरोधी एक साथ आपको आज नजर आ रहे होंगे और सनातन धर्म के पक्षधर और भारत नाम के पक्षधर आपको दूसरी टीम में एक साथ नजर आ रहे होंगे। तो ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का विरोध करने वाले और भारत का विरोध करने वाले एक ही हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए वो इंडिया शब्द को ही अब मिटा देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार का ऐसा कोई भी कदम संविधान के खिलाफ होगा और ये दुनिया भर में भारत की इंडिया वाली पहचान को नुकसान पहुंचाएगा। और इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच बहस नहीं हो रही, बल्कि देश का लगभग हर वर्ग आज इंडिया और भारत के नाम पर दो टीमों में बट चुका है। जो लोग भारत नाम के समर्थन में है वो कहते हैं कि देश के राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का जिक्र किया गया है, ना कि इंडिया भाग्य विधाता का, इसलिए भारत ही हमारा असली नाम है और अब सरकार को इंडिया नाम से देश को आजादी दिलानी होगी। देखिए, आजादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन इंडिया नाम से आजादी नहीं मिली थी, इंडिया नाम से आजादी अब मिल रही है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जब देश कोई उपलब्धि हासिल करता है तो भारत माता की जय का नारा लगाया ही जाता है, ना कि इंडिया माता की जय का, इसलिए इंडिया नाम दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया है, जबकि भारत नाम देश की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हालांकि इस बहस के बीच सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोगों ने इंडिया शब्द का समर्थन करने के चक्कर में भारत नाम का अपमान करना शुरू कर दिया है। लोग, जैसा मैं आपको कह रहा था कि दो टीमों में अब भारत के लोग बट गए हैं, भारत के नेता बट गए हैं, और भारत के नेता सोचते हैं कि जो इंडिया के समर्थन में हैं ये वो लोग हैं, इंडिया के समर्थन में अगर हैं भी तो भारत का अपमान करने की क्या आवश्यकता है,
भारत माता का अपमान करने की क्या आवश्यकता है। आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की एक पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश से पार्टी की एक विधायक आराधना मिश्रा के एक कार्यक्रम में जब भारत माता की जय के नारे लगाए गए तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि लोगों को कांग्रेस पार्टी की जय के नारे लगाने चाहिए, ना कि भारत माता की जय के नारे। आप पहले खुद सुनिए। अब देखिए, ये जो नेता हैं ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी की जय के नारे मंजूर हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे मंजूर हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे मंजूर हैं, लेकिन भारत माता की जय का नारा इन्हें मंजूर नहीं है। और देखिए, ये भी इसी देश में रहती हैं, इसी देश के लोगों ने चुना है, इसी देश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, और कहती हैं कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ। एक तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो भारत को जोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन भारत माता की जय के नारों से उन्हें परेशानी होती है। दूसरी तरफ हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, और इनमें अमिताभ बच्चन भी हैं जिन्होंने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने बाकी तो अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इस पर, सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट किया जिसमें लिखा भारत माता की जय। इससे ही आपको उनके विचार पता चल जाएंगे। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने आज ये मांग की कि अगले महीने से जो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है क्रिकेट का, उसमें भारत की टीम को इंडिया की बजाय भारत के नाम वाली जर्सी पहननी चाहिए, और इस मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग इसका मजाक बना रहे हैं, और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं, लेकिन अब ये इंडिया शब्द को भारत की आत्मा बता रहे हैं। तो देखिए, हमारे देश के नेता तो ऐसे हैं जो भारत को जोड़ने निकले थे, लेकिन ऐसे लोगों की मदद से भारत को जोड़ने निकले थे जो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाना चाहते। जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये लोग भारत जोड़ने वाली यात्रा में शामिल हो रहे थे, और ये सारे लोग अब वो हैं जिन्हें भारत नाम से ही समस्या हो रही है, ये चाहते हैं कि नाम इंडिया ही बना रहे। इसके अलावा इन लोगों की तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि अगर सरकार ने इंडिया शब्द को हटा दिया तो फिर क्या इसरो, एम्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईआईटी जैसे सरकारी संस्थाओं के नाम भी बदल जाएंगे, क्योंकि इन सभी के नाम में इंडिया या इंडियन शब्द आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी क्या बदल जाएगा? सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें इंडिया शब्द है, तो क्या उनके नाम भी बदल दिए जाएंगे? मेक इन इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा, खेलो इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा, कहाँ कहाँ से हम नाम बदलेंगे? इस मुद्दे पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, और विपक्ष का लगभग हर नेता कह रहा है कि भारत इंडिया के बिना अधूरा है और इंडिया के बिना भारत की पहचान खत्म हो जाएगी, जबकि सरकार ने कहा है कि भारत नाम की चर्चा ने अब विपक्षी दलों की जनता के सामने पोल खोल दी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे? फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आज के तो इंडिया नाम चेंज कर दीछे भी सुनल माननीय राष्ट्रपति नामे जे कार्ड हो G20 লঞ্চে না ডিনারে তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলেই, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলে ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে, হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। ইতিহাস কো আর গৌর সে দেখে কই হিন্দু নামই ইয়াকে নেই হ্যায়, हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं।
प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारे देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत, इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं। बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त। पांच हजार साल से मेरा देश को, मेरा जन्मभूमि को लोग भारत नाम से जानता था, एक्सेप्ट द ब्रीफ पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमें हमारा ऊपर हुकूमत चलाया था। तो इसीलिए आप आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, इंडिया यहां में रुका नहीं, आगे जाके बोला देखो वो भारत है, तो भारत इज द कोर वर्ड। हिमंत बिस्वा शर्मा ने अंग्रेजों की बात बताई, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो ऑनलाइन पोल यानी अभी जो चुनाव चल रहा है देश में, उसमें अभी तक 1,31,000 लोगों ने अपना वोट डाला है और 93% लोगों ने अभी कहा है कि उन्हें भारत नाम चाहिए और 7% लोगों ने इंडिया नाम के समर्थन में वोट डाला है। 1,31,000 वोट अभी तक पड़े हैं। अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है तो तुरंत अपना वोट डालिए, फोन उठाइए और इस नंबर पर जल्दी से एक मिस्ड कॉल दे दीजिए। आजादी के बाद जब भारत के संविधान में इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया था, तब संविधान सभा के कई सदस्यों ने उस जमाने में भी इसका विरोध किया था कि भाई हम इंडिया नहीं है, हम तो भारत है। उस समय इन सभी सदस्यों का कहना था कि इंडिया दैट इज भारत कहने से ऐसा लगता है कि हम भारत शब्द की तुलना में इंडिया शब्द को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि हम हैं तो इंडिया लेकिन हम भारत भी हैं, जबकि इंडिया शब्द हमें गुलामी की याद दिलाता है और ये नाम हमें अंग्रेजों से मिला है, ये नाम हमारा हमने खुद नहीं रखा है, अंग्रेजों ने हमें ये इंडिया नाम दिया है। विरोध करने वाले नेताओं में संविधान सभा के उस समय के सचिव HV कामत भी थे, संविधान सभा के सदस्य KV राव थे और उनके अलावा सेठ गोविंद दास, BM गुप्ता, श्री राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हर गोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी उस समय इंडिया शब्द पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इंडिया नाम गुलामी की याद दिलाता है, इसलिए इंडिया शब्द को संविधान में नहीं लिखना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। ये तब की बात बता रहा हूं आपको जब हम आजाद होने वाले थे, लेकिन तब अंत में वोटिंग के दौरान ये सारे प्रस्ताव गिर गए और आखिर में अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत को ही अपनाने का फैसला हुआ, जबकि ये नाम भारत को अंग्रेजों से मिला था, ये इंडिया नाम हमने खुद नहीं रखा है। जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी उनमें भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, चंद्रशेखर आजाद तक, सभी क्रांतिकारी इंडिया शब्द के खिलाफ थे, ये आज आपको पता होना चाहिए। ये क्रांतिकारी मानते थे कि इंडिया अंग्रेजों का है और भारत और हिंद आम भारतीयों का है और उन्हें इंडिया को भारत बनाना है, लेकिन जब भारत को आखिर में आजादी मिली तब तक तो इनमें से कोई भी हमारे क्रांतिकारी जिंदा नहीं थे, इसलिए इनकी शहादत के बाद जब आजादी मिली तो हमारे देश के उस समय के कुछ नेता अंग्रेजों से इस कदर प्रभावित थे कि उन्हें इंडिया दैट इज भारत में ही आजाद भारत का रूप नजर आया, जबकि हकीकत यह थी कि उस दिन भारत इंडिया से मुक्त होकर आजाद हुआ था। आजादी के बाद अलग अलग समय में संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग आगे भी होती रही और यह मांग कई बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी की लेकिन मानी नहीं गई। वर्ष 2010 और 2012 में कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नाइक संसद में एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे जिसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। 2004 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें मांग की गई थी कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया कर देना चाहिए, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ही इसका विरोध कर रहे हैं।
वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो सांसद थे, वो भी संसद में एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे जिसमें उन्होंने इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज हिंदुस्तान करने की मांग की थी और यह मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। वर्ष 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अगर देश का नाम इंडिया की जगह भारत रखना है तो इसके लिए याचिकाकर्ता को भारत सरकार को अपनी मांग के बारे में बताना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। और भारत सरकार देश का नाम तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार इस मुद्दे पर शुरुआत से ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है, इसलिए यह कहना कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है इसलिए सरकार इंडिया शब्द को संविधान से हटा सकती है, ये बात कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि ये मांग तो आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में चली आ रही है। एक के बाद एक बहुत सारे लोगों ने इस मांग को रखा है। सबसे बड़ी बात जो आज आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि हमारे देश के लिए शहादत देने वाले हमारे शहीद, हमारे क्रांतिकारी, वो भी भारत शब्द ही चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आप ये देखिए कि आज अगर भारत की बात हो रही है तो इससे हमारे देश के कुछ लोगों को ही इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है कि वो भारत नाम का भी अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में दो बातें हुई, सनातन धर्म का विरोध और भारत का विरोध, और ये दोनों बातों का विरोध करने वाले लोग एक ही हैं, टीम एक है, गठबंधन एक है, नेताओं का गठबंधन एक है, जबकि भारत का संविधान ही सनातन धर्म की संस्कृति का उल्लेख करता है। जरा यह भी देख लीजिए कि संविधान और सनातन धर्म में क्या रिश्ता है। भारतीय संविधान के जिस भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है उसमें रामायण के उस प्रसंग को अंकित किया गया है जिसमें भगवान श्री राम सीता और उनके भाई लक्ष्मण के साथ वो अयोध्या लौटे थे। आप बड़ी स्क्रीन पर देख लीजिए, यह हमारे संविधान की कॉपी में आपको दिखा रहा हूं, देखिए इसमें आपको भगवान श्री राम दिख रहे हैं, सीता माता दिख रही हैं और लक्ष्मण का चित्र आपको दिख रहा है और यह हमारा संविधान है और ये सनातन धर्म की तस्वीर है, साक्षात सनातन धर्म की तस्वीर आपको भारत के संविधान में दिख रही है। इसी तरह भारतीय संविधान का जो चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है उस पर महाभारत के उस प्रसंग को अंकित किया गया है जिसमें युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे और उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया था। ये भी आप देख लीजिए, ये भी हमारे संविधान की ही कॉपी है। यानी हमारा संविधान तो सनातन धर्म का पूरा सम्मान करता है लेकिन खुद को इसी संविधान का रक्षक बताने वाले विपक्षी दलों के कुछ नेता सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं और अब यही लोग भारत नाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत हमारे देश का असली और वैदिक नाम है, जबकि इंडिया नाम हमें अंग्रेजों से गुलामी में मिला और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान नाम भी हमें दूसरे देशों की भाषाओं से ही मिले हैं। ज्यादातर इतिहास की किताबें और लेखों में यही बताया जाता है कि जब 600 ईसा पूर्व ईरान से आए पारसी धर्म के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया तब हिंदू शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था और हिंदू से ही बाद में हिंदुस्तान बना, यानी ऐसा स्थान जहां हिंदू रहते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि क्योंकि फारसी भाषा बोलने वाले लोग स का उच्चारण ह से करते थे इसलिए सिंधु शब्द हिंदू शब्द में बदल गया। वो बोलना तो चाहते थे सिंधु लेकिन स नहीं बोल पाते थे इसलिए उन्होंने हिंदू बोलना शुरू कर दिया और जो लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उन्हें हिंदू कहकर संबोधित किया जाने लगा। यह भी बताया जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 325 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया तब उसने सिंधु नदी को इंदू नदी कहा था और इंदू शब्द बाद में ग्रीक भाषा में इंडस, इंडे और फिर अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द बन गया। यानी पारसी धर्म के लोग सा का उच्चारण हा से करते थे इसलिए सिंध हिंद बना और ग्रीक भाषा में क्योंकि एच साइलेंट होता है इसलिए हिंद इंड बन गया और इंड से अंग्रेजी भाषा में इंडिया बना और अंग्रेजों ने 15वीं शताब्दी के आसपास भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और यही नाम आज भारत के बहुत सारे लोगों को पसंद है और वो अपने आप को इंडियन मानते हैं। इसके अलावा हिंद और हिंदुस्तान शब्द भी 2500 साल पुराना है जो हमें पारसी भाषा से मिला लेकिन भारत एक ऐसा शब्द है जो भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति से बना है और उसी से हमें मिला है। यानी ये अकेला शब्द है जो मेक इन इंडिया है, मेक इन भारत है। अलग अलग कालखंडों में भारत को अलग अलग नामों से जाना गया जिसमें इसे कभी जम्बूद्वीप कहा गया, कभी इसे भारत खंड कहा गया, कभी हिमवर्ष, अजनाभवर्ष,
भारतवर्ष और आर्यावर्त कहा गया, और कभी इसे हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा गया। इतने सारे नाम हैं असल में हमारे देश के। भारत को जम्बूद्वीप इसलिए कहा गया क्योंकि अखंड भारत के समय में भारत देश का आकार एक जामुन के जैसा था, जबकि भारतवर्ष नाम के पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं, जिनमें महाभारत से जुड़ा एक प्रसंग सबसे खास है। इस प्रसंग में बताया गया है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पूर्ववंशी राजा दुष्यंत के बीच गांधर्व विवाह हुआ और इन दोनों के पुत्र का नाम था भरत। अब राजा भरत को यह आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध हो जाएगा, और ऐसा माना जाता है कि यहीं से भारत को भारतवर्ष और भारत का नाम मिला था। इसके अलावा आपने कभी सोचा है कि महाभारत युद्ध में भारत शब्द कैसे आया, क्यों आया? तो इसका कारण यह है कि इस युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था, इसलिए इसे महाभारत युद्ध कहा गया, जिसमें कुछ साम्राज्य कौरवों के साथ थे और कुछ पांडवों के साथ थे, यानी तब भी दो टीमों में युद्ध हो रहा था, एक ब्लैक और एक व्हाइट। भारत और भरत शब्द को 7,500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध से भी 2,500 वर्ष पहले, यानी आज से 7,500 वर्ष पहले एक युद्ध हुआ था जिसे दाशराग्य युद्ध कहा गया था। यह युद्ध तब त्रित्सु जाति के लोगों ने लड़ा था और त्रित्सु जाति के लोगों को भरतों का संघ यानी भरतों का समूह कहा जाता था, और भरत शब्द इसी जाति के लोगों से आया। और बड़ी बात यह है कि भारत नाम सनातन धर्म की पहचान से जुड़ा है, जिसे आज उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता मिटाने की बात कर रहे हैं, और ये सब कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी और धर्म निरपेक्षता के नाम पर हमारे देश में खुलेआम हो रहा है। भारत में धर्म निरपेक्षता के विचार को इसलिए अपनाया गया ताकि सभी धर्मों के बीच समानता के भाव को जीवित रखा जा सके, लेकिन समय के साथ साथ हमारे देश के एक खास वर्ग ने खुद को सेक्युलर या धर्म निरपेक्ष साबित करने के लिए, जो हमारे देश में मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू संस्कृति का अपमान करना शुरू कर दिया, और आज ये एक फैशन बन चुका है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक आबादी के धर्म का खुलेआम अपमान किया जाना संभव है और बड़ा आसान है। दुनिया के और किसी देश में आप ये काम नहीं कर सकते, किसी इस्लामिक देश में इस्लाम का अपमान नहीं कर सकते, किसी ईसाई बाहुल देश में आप क्रिश्चियनिटी का अपमान नहीं कर सकते। आज जब तक कोई व्यक्ति सनातन संस्कृति और भारत के इतिहास में शर्मिंदगी भरी बातें खोजकर नहीं लाता, तब तक उस व्यक्ति को इस देश में एक बड़ा बुद्धिजीवी, इतिहासकार और धर्म निरपेक्ष नेता माना ही नहीं जाता। यानी आज भारत में खुद को धर्म निरपेक्ष साबित करने का एक फॉर्मूला स्थापित हो चुका है, और वो है हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की आलोचना करना। लेकिन आज हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें फिल्म स्टार शाहरुख खान की हैं, जिन्होंने अपनी नई फिल्म जवान के रिलीज से पहले आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन किए, और इस दौरान उनकी बेटी सुहाना खान भी उनके साथ थी। लेकिन अब शाहरुख खान की इन तस्वीरों से भी कुछ लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, और कहा जा रहा है कि शाहरुख खान सच्चे मुसलमान नहीं है। लेकिन यहां आप सनातन धर्म की ताकत को देख सकते हैं। जब इसरो के चेयरमैन और इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इसी तिरुपति मंदिर में गए और जाते हैं, तो हिंदू धर्म मानने वाले ही कुछ नेता कहते हैं कि जब मंदिर जाने से ही सब कुछ होना था, तो फिर मंदिर के पुजारियों से ही चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च नहीं करवा लिया। ऐसा हमारे देश के लोग कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज सनातन धर्म का अपमान इस्लाम को मानने वाले नहीं कर रहे, सिख धर्म को मानने वाले नहीं कर रहे, ईसाई धर्म को मानने वाले नहीं कर रहे। सनातन धर्म का सबसे ज्यादा अपमान हो रहा है हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से जैसी बीमारियों से करते हैं, लेकिन जब उन्होंने वर्ष 2002 में अपना विवाह किया था, तब ये विवाह सनातन रीति रिवाजों से ही हुआ था, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार ही इस विवाह के दौरान मंत्रोच्चारण हुए थे, और ये वो मंत्र थे जो सनातन धर्म का आधार है। लेकिन राजनीति के लिए यही नेता अब सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं। आज जब अखंड भारत के इस नक्शे को भी याद कीजिए आप, जो नए संसद भवन में सरकार ने लगाया था, यह नक्शा सरकार की सारी रणनीति के बारे में आपको बता देगा। और असल में जिस दिन यह नक्शा लगा था संसद के नए भवन में, उसी दिन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था कि सरकार आगे चलकर क्या करने वाली है और कैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है।
इसलिए आज आप अमृतकाल में बाकायदा प्रवेश कर चुके हैं और अमृतकाल में आपकी संस्कृति को लेकर, आपके इतिहास को लेकर जो नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, आपको उनका स्वागत करना चाहिए। और अब हम देश के छात्रों को डिप्रेशन से निकालने की अपनी वो मुहिम जारी रखेंगे जिसका नाम है कोटा SOS। आज मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस मुहिम के शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में पूरे देश से छात्र, उनके माता पिता, टीचर्स और नागरिकों ने हमें चिट्ठियाँ लिखी हैं, मेल्स लिखे हैं, और उन सारे मेल्स को आज मैं अपने साथ उनकी कॉपी करा कर लेकर आया हूँ। देखिए कितने सारे मेल्स आज हमारे पास आए हैं। आज इमोजी का ज़माना है, लोग एक थैंक यू भी नहीं लिखना चाहते, लेकिन हमारे दर्शकों ने, इन लोगों ने लंबे लंबे मेल्स लिखे हैं। कोई दो पन्ने का है, कोई तीन पन्ने का है। देखिए आप करीब से अगर आप देखेंगे कितनी मेहनत से लोगों ने इन मेल्स को लिखा है, सुझाव दिए हैं और बताया है कि क्या होना चाहिए। आज हम आपको, लेकिन उससे पहले, उन गरीब परिवारों से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर, उधार लेकर अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेजा और ये बच्चे वहाँ से कभी लौट नहीं पाए। इनमें 18 वर्ष का एक छात्र बिहार के सुपौल ज़िले का रहने वाला था जिसकी माँ टीचर हैं, और ये लड़का एक साधारण से परिवार से था, लेकिन इसने कोटा में अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले अभिषेक का घर भी अब बिल्कुल सूना है और उसके दो कमरों के घर में उसके परिवार का अब दम घुटता है। देखिए ये वो परिवार हैं जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। अब इनके घर में क्या बचा होगा आप खुद सोचिए, और कैसे पैसा उधार लेकर, जमीनें बेचकर, संघर्ष करके इन्होंने अपने बच्चों को वहां भेजा था और ये बच्चे लौट नहीं पाए। आज आप इस परिवार की हालत देखिए। इनमें बिहार के बेतिया जिले की रहने वाली शंबुल परवीन के माता पिता ने भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। और अब इन सारे गरीब छात्रों के माता पिता एक ऐसे दुख से गुजर रहे हैं जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक और माता पिता को देखिए, किस तरह के घरों से आते हैं ये बच्चे, कैसे इन माता पिता ने संघर्षों के साथ अपने बच्चों को लाखों रुपए की फीस भरकर कोटा भेजा होगा, ये सोचकर कि अगर एक बार बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो पूरे परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल देगा। इन छात्रों के घर और गांव से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आज आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। इस रिपोर्ट को देखिएगा और उसके बाद अपने बच्चे के चेहरे को देखिएगा। 13 तारीख को बच्चे ने कहा कि हमको पीजी के साथ हमको एडजस्ट कर दीजिए, तो मैं पीजी देखने के लिए गया था। 8:30 से 9 बजे करीब गया और 11 बजे आया तो देखा उसके हॉस्टल में, तो वो हॉस्टल में जीवित नहीं थी। मैं हॉस्टल के दरवाजे को खोला, नहीं खोला, तो जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़ करके अंदर गया, पता तो देखा कि मेरी बच्ची 15 की लड़की हुई। दुख तो बहुत है ना, लेकिन वही अरमान से गए थे पढ़ाने, लेकिन वहाँ का कोटा वासी। आप क्या सोच के वहाँ भेजे थे बच्चा को पढ़ाने के लिए? वही पढ़ने में अच्छा था, इसीलिए भेजे थे जो कल मेरा बच्चा भी बड़ा बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा संस्कार पाएगा, अच्छा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, भविष्य बच्चा का बनता, इसीलिए भेजे थे। आपके हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी तो, हम तो कहते फुल कार्रवाई हो। आखिर मेरा बेटा गया, कल दूसरे का भी गया, तीसरे का भी गया, ऐसा तो लगातार हो रहा है घटना। देखिए हमारे तरफ से तो किसी प्रकार का कोई, घर से कोई किसी का दबाव नहीं था। दबाव अगर रहा है तो कोचिंग संस्थान का दबाव है और वहीं का प्रेशर है पढ़ाई का। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ते पढ़ते इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो सब भूल जाते हैं, अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, और अपनी सही जो बात है वो अपने घर पे भी नहीं बता पाते हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि माता पिता की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दूसरा ये कि बच्चे बहुत बार किसी और चीज़ के लिए बने होते हैं, वो डॉक्टरी के लिए या इंजीनियरिंग के लिए बने नहीं होते। तीसरा जो एंगल है वो है कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन चुके हैं। और चौथा जो एंगल है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। इन पर हम धीरे धीरे आएंगे जैसे जैसे समय मिलेगा। अभी हम इन सबको पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने हमें ये मेल्स भेजे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर आपके पास और भी कोई सुझाव है तो हमें भेजते रहिए। मैं लगातार इन सारे मेल्स को पढ़ रहा हूँ, एक एक नाम मुझे याद है, आपके सुझाव मुझे याद हैं। हमारे साथ ऐसे ही पार्टनरशिप में इस प्रोजेक्ट पर आप
काम करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हर रोज हम इस मुहिम को ऐसे ही जारी रखेंगे। और अब आखिर में आपको हमारी जो AI एंकर हैं जिनका नाम है सना, आप उन्हें हमेशा हेडलाइंस बोलते हुए सुनते हैं, आज हमारी आज तक की AI एंकर सना के साथ शाहरुख खान ने एक छोटी सी बातचीत की है, इस बातचीत को सुनिए। हाय, मैं हूं सना और आज मैं आपको मिलाने वाली हूं बॉलीवुड सुपरस्टार से, लेकिन पहले देखते हैं उनकी आने वाली फिल्म की झलकियां। ये तो शुरुआत है। Good to go, girls. Ready, chief. हाय, मैं हूं शाहरुख खान, आपके लिए लेकर आया हूं मेरी नई फिल्म जवान और मेरे साथ हैं आज तक AI। थैंक यू शाहरुख। अच्छा बताइए, मुझ में और आप में कौन सी बात कॉमन है? वैसे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आप बताइए ना। चलिए मैं बता देती हूं, शाहरुख खान और मुझ में ये बात कॉमन है कि हम दोनों हमेशा जवान रहेंगे। बिल्कुल। वैसे एक और बात कॉमन है। कौन सी? आप सबने दोनों का नाम तो सुना होगा। थैंक यू शाहरुख, वैसे आपका चार्म देखकर तो मेरे AI दिल में भी कुछ कुछ होता है। और हाँ, आई एम ऑल्सो 100% रेडी फॉर जवान विद द किंग खान 7 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। आर यू रेडी? तो आखिर में आज जो चुनाव हुआ है उसका नतीजा आपको बता देते हैं। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है, जिसमें से 1,41,000 लोगों ने, यानी 94% लोगों ने कहा है कि देश का नाम भारत होना चाहिए, और सिर्फ 6% लोगों ने कहा है कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। आज के चुनाव का नतीजा आपके सामने ये रहा। ये लोगों का मूड है, ये भारत का मूड है, ये भारत का मिजाज है। अब हमारे देश के नेताओं को ये पोल देखना चाहिए, ये चुनाव देखना चाहिए, और उसके बाद तय करना चाहिए कि उन्हें आगे चलकर क्या फैसला लेना है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और मन और मकान को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलत फहमियाँ भर जाती हैं। इसलिए मन में भरकर नहीं, बल्कि मन भरकर जिए। नमस्कार।